मैम प्लीज वन थोड़ा एक एक क्वेश्चन एक एक चार पकड़ के रखा होगा तभी तो गर्लफ्रेंड नहीं है बीवी की कोई इज्जत ही नहीं है शादी के बाद क्या नाम है बीवी का खुशबू किसी और की खुशबू लग गई है इनको और एक बार वंस मोर ऐसे कर मैम बाइट कर ले ठीक है सो मैम जानना चाहूँगी फर्स्टली आपके लुक के बारे में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है इस लुक में जब कोई लड़की तारीफ करती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है पता है इन लोग का नहीं इतना अच्छा लगता थैंक यू सो मच कुछ नहीं मतलब बस मेरी स्टाइलिस्ट ने दे दी मुझे ड्रेस मैंने पहन ली मिस में मेरा कोई योगदान नहीं था ओके जैसा कि आपके लुक को लेकर हमेशा नो 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 एज इन अब मुझे पहनना है तो मुझे मेरे पर ही डिपेंड करेगा ना सो जॉइंट एफर्ट होता है और मेरा जो मन करता है मैं पहन लेती हूँ यार दिस इज ऑल्सो आई लव बैकलेस आई डोंट गिव अ फक हु इज ट्रोलिंग मी मुझे जो करना है I'll tell you, people are going to talk shit about me anyways. Now I want them to, now I will give them shit to talk about me. They're going to talk, even when I wear a suit, they talk shit about me. So why not I give them shit to talk about, right? I want to make their work easy. Ma'am, you said that I want to marry a Muslim girl. I didn't say that. I said that I don't have a difference. The girl is Muslim or Hindu. मैं क्या कोई मुस्लिम बेचारा मुझसे खुद ही शादी ना करे यार लुक एट मी बट इट्स नॉट अबाउट दैट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है तो स्पेशल को होना भी तो चाहिए साथ में यार तुम क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रही है इसलिए आई है यहाँ पे क्यों कर रही हो तुम ये नहीं है यार कोई ठीक है फाइन व्हाटएवर मुझे कोई लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे अकेले रहना है मस्त रहना है ऐसे अभी कुछ लाइफ पार्टनर का कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने अगर काम की बात की जाए तो किस चीज़ पे आप फोकस करना चाहेंगे वेब सीरीज एल्बम सॉन्ग या फिर और क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से व्हाटएवर गेट्स मी मनी जहाँ से पैसा आएगा मैं सब करूँगी मुझे क्या है जब आएगा यार आप लोग देख लेना मुझे ऐसे काम के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब आई कांट डू दैट इट्स लाइक छोटा मुंह बड़ी बात लगता है आई कांट डू दैट ओके ट्रोलिंग तो बहुत करते हैं लोग कभी कपड़ों पे कभी बोलने के टोन पे या फिर रिलीजन को लेकर कुछ भी अगर निकल जाता है तो ये एक्ट्रेस जो होती है वो ट्रोल हो जाती है जानना चाहूँगी कपड़ों को लेकर जब ट्रोल होती है क्या कुछ आपके फीलिंग होती है कि हाँ ये करना चाहिए अगर वो बोल रहे हैं तो नहीं करना चाहिए किस तरह से आपका ये टेक होता है मोर देन ट्रोलिंग औरतों को ट्रोल नहीं किया जाता औरतों की इंसल्ट करी जाती है ट्रोल आदमी होते हैं
आदमियों का मजाक उड़ाया जाता है, औरतों को नीचा दिखाया जाता है जब वो वैसे कपड़े पहनती हैं. दिस इज़ द डिफरेंस इंडिया में. आई हैव पर्सनली फेल दैट व्हेन अ वुमन वॉक्स वेयरिंग अराउंड व्हाटएवर शी वांट्स, शी इज़ अ स्लट. बट अ मैन डज दैट, ही इज ब्रेव और दे मेक फन ऑफ हिम, बट फॉर अ वुमन दे स्लट शेम हर. So it's just, it's really fucked up. I mean, someone had to bring a change, so I'm just trying to do that. Trolling के अलावा भी fan following आपकी काफी है, और जो आपके videos को like भी करती है और पसंद भी करती है, उनके लिए आप क्या कुछ special message देना चाहेंगे? Thanks यार, और क्या बोलूँ यार, thank you so much, thank you. बस. अगर आपको opportunity मिले तो आप Big Boss 16 में जाना चाहेंगे, क्योंकि आप Big Boss 14 में थी already. यार जब उन्होंने मुझे तब नहीं बुलाया, आप क्या बुलाया, मतलब उनके ऊपर है ना. मैं यहाँ बोल दूँ हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाके गेट के बाहर खड़ी हो जाऊँ, छाती पर लिखवा लूँ बिग बॉस मुझे बुलाओ. जब बुलाएंगे बुलाएंगे तब सोचा जाएगा. अभी से ये सब सोच नहीं सकते ना कि अच्छा मुझे बिग बॉस, जब बिग बॉस 20 आएगा ना, मुझे बिग बॉस 20 करना है. क्या पता कल को मैं मर जाऊँ, कैसे इतना लंबा सोच लूँ यार मैं. नहीं वो नहीं कर सकती मैं, वो मुझसे नहीं हो पाएगा. ये क्वेश्चन क्या रीजन है, तुमने देखा नहीं क्या करते हैं? जो यहाँ से उठा के पटका देते हैं, कुछ भी करते हैं, इतनी लंबी बिल्डिंग से बोलते हैं छलांग लगाओ, एक कीड़े मकोड़े तुम्हारे ऊपर, क्या रीजन है तुम? ये कैसा सवाल था इसका? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं कि नहीं करना है. ठीक है, आपको सबसे ज्यादा मुझे मरना नहीं है, मुझे नहीं करना है भाई, मुझे जिंदा रहना है और सही से रहना है. अरे चाहे जितने लगा दो, डर तो लगता है ना. तुमको कोई बोले यहाँ पे मैं बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, पकड़ लूंगा तुमको, कुछ जाओ नीचे, कुछ जाओगी, डर तो लगेगा ना. क्यों मैं चंद पैसों के लिए अपने, नहीं नहीं दिमाग का नहीं. ठीक है यार, थैंक यू, थैंक यू मैम, चलो थैंक यू, बाय गाइस, बाय मैडम, बाय.